निहार राजू आपने अपना नाम पक्का करवा दिया ना? हाँ बेटा। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शेरे पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुई है और ना कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। शेरे पंजाब की खासियत है यहाँ की ट्रैक्टर रेस, जिसमें पंजाबी मर्द अपने हौसले और हिम्मत का नमूना पेश करते आए। बच्चों, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी ना, सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया है। अभी जी भूख तो बड़ी जोर की लगी है। अच्छा चलो तुम दोनों को कुछ खिला के लाते हैं। अजय, उसी बच्चों को कुछ खिलवाओ पिलवाओ, तब तक मैं हीर को तैयार करवाता हूँ। जी चलो बच्चों। आज मर्दों की दुनिया में धमाके के साथ कदम रखते हुए, मर्दों को चुनौती देते हुए, एक जिनानी भी इस ट्रैक्टर रेस में शामिल होकर इतिहास रचने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, पहली बार एक जिनानी भी इस ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लेने जा रही है। तो शान से सुनिए, उस हौसले वाली बहादुर जिनानी का नाम है पिंड प्रीतमपुरा से रतन संपूर्ण सिंह। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कब अपना नाम लिखवाया? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग? बीजी, आपका ही नाम लिया था, मैंने भी सुना, अपने पिंड का नाम बोला था और आपका ही नाम। पर मैंने अपना नाम लिखवाया ही नहीं, किसने लिखवाया मेरा नाम? मैं कैसे भाग ले सकती हूँ ट्रैक्टर रेस में? एक काम करते हैं, वहां चल के बात कर लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। सत श्री अकाल जी, अभी अभी वो घोषणा हुई थी ना, जो भी ट्रैक्टर दौड़ में भाग लेने वाले उनकी। सत श्री अकाल, अभी घोषणा की थी ना आपने, जो भी ट्रैक्टर दौड़ में भाग लेने वाले हैं उनके नामों की। हाँ परजाई जी, हुई थी। तो मैंने बस पक्का करवाना था कि आपने एक जनानी का नाम लिया रतन, वो आपने गलती से मेरा नाम ले लिया या कोई और भी रतन है? एक मिनट पड़ जाए जी, मैं देख के बताता हूँ। हाँ ये रहा पड़ जाए जी, पिंड प्रीतमपुरा से रतन सिंह, पति का नाम संपूर्ण सिंह। जी देखिए, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया था, मैंने नहीं भाग लेना है ट्रैक्टर दौड़ में। देखो पर जाए जी, एकल जो पहले होंदी ना तो चंगा था जी, अब हुन तो थोड़ा नाम अनाउंस हो गया है, अब आप कह रहे हो कि मैंने इसमें भाग नहीं लेना है, तो हमको फिर अनाउंस करके बताना होगा कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो रही है। हुन देखो तड्डी और ऑर्गेनाइजर दी बड़ी हंसी होगी जी, कितने धमाके के साथ थोड़ा नाम अनाउंस किता सी, ये गलत है। डॉक्टर जी, ये नाम लिखवाया किसने? देखो जी, वो तो हमें पता नहीं, बस हमारे पास नामों की लिस्ट आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी जी। सत श्री अकाल परजाई जी। ओ बधाई हो जी, और सुना है कि आप ट्रैक्टर दौड़ में भाग ले रहे हो। अच्छी बात है जी,
तू क्यों लाल पीला हो रहा है निहाल सिंह? ओ पिंड वाला हूँ, बधाई देने चला आया। कमाल है जी, तू घोड़ों की दौड़ में भाग ले रहा है और रतन पर जाए मर्दों के बीच ट्रैक्टर की दौड़ में। और वैसे भी अपनी परजाई मर्दों से कहां कम है। मर्दों जैसे घर चलाती है, मर्दों जैसा ट्रैक्टर चलाती है और अच्छा खासा चला लेती है। देख बख्तावर, उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके, वरना दिया हुआ जवाब तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई परेशानी है तो सोचो मत, जाओ और जाके माइक पे सबके सामने माफी मांगते हुए कह दो कि हम प्रीतमपुरा वाले प्रीतमपुरा की तरफ से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे। रतन, रतन जी, देखिए मैं जानता हूं जो हो रहा है गलत हो रहा है, किसने किया है, किसकी शरारत है, अभी ये जानने और समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। देखिए आपके नाम की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त नाम वापस लिया ना तो आपके नाम के साथ साथ प्रीतमपुरा की इज्जत को भी दाग लग जाए। और तब जब मैं ट्रैक्टर लेकर मर्दों के बीच दौड़ूंगी और बुरी तरह से हारूंगी तब दाग नहीं लगेगा? नहीं लगेगा जी, क्योंकि तब तक आप इतिहास लिख चुकी होंगी। देखिए जी, दुनिया कहती है कि जनानियां मर्दों के बराबर होती हैं, पर जब बराबरी की बात आती है ना तो जनानियां खुद ब खुद पीछे हो जाती हैं। देखिए आज आपके पास मौका है जनानियों के लिए एक नया रास्ता खोलने का, एक कोशिश करने का। और बात है ना हार जीत की बिल्कुल नहीं है रतन जी, और ये जो ट्रैक्टर दौड़ हो रही है ना ये कोई खेल नहीं है, ये एक लकीर है जी, और आप पहली जनानी होंगी जो इस लकीर के उस पार कदम रखेंगी। मम्मी जी, आपने याद है जब मैं चौथी में था तब मैं एक दौड़ में दौड़ने से मना कर रहा था, आपने मैंने कहा था कि ए दौड़ में दौड़ना जरूरी है और वो भी उस तरफ जिस तरफ दौड़ खत्म होती है। दौड़ से डर कर उल्टी तरफ नहीं भागना, मैं तेरे साथ हूं। आज तो बीजी मैं, वीरा, निहाल चाचू, हम सब आपके साथ हैं बीजी, तो आप कैसे डर कर उल्टी तरफ भाग रहे हो? बीजी आप डरो नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ।
बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले सभी प्रतियोगियों से विनती करता हूं कि प्रबंधक कमेटी द्वारा दिए गए अपने अपने ट्रैक्टर में वो आकर बैठ जाएं और इस खून में जोश भर देने वाली रेस के लिए तैयार हो जाएं। चलो बीजी। गुरप्रीत पुत्र, अरे चाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदी रहे, खुश रहे। पुत्र एक छोटा सा काम था तेरे नाल, इसका चार्जर होगा तेरे पास। अच्छा, और साथ साथ तेरे को खुशी की खबर भी सुना दूं। वो शेरे पंजाब में पता है तेरे को ट्रैक्टरों की रेस होती है, दौड़ होती है, उसमें फटे फटे जितने तुर्रम है ना पंजाब के, वो भाग लेते हैं सारे मर्द। अब हैरानी वाली गल सुन, उसमें भाग कौन ले रहा है? रतन। अरे साड़ी रतन। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी गल है चाई जी। अरे चंगी गल है, रिकॉर्ड तोड़ेगी देखना मेरी रतन, तो जीत कर ही आएगी मेरी पुत्र। तो अगर पुत्र तेरे पास चार्जर है तो दे दे। आ बैठी, मैं लेकर आती। चंगा। तेरे को पता है गुरप्रीत, मेरे को तो अभी भी हैरानी हो रही है कि मेरी रतन इतना बड़ा काम करेगी। अरे सोच, इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे ट्रैक्टर, और वो रेस में भाग ले रही है। हाय रब्बा। वैसे तो मेरी रतन शुरू से ही, तेरे को पता ना, कितने हौसले वाली और हिम्मत वाली लड़की है, पर ये सोचकर तो मैं हैरान ही हो गई। सपने में नहीं सोच सकती थी कि मेरी रतन इतना बड़ा काम करेगी। वैसे गुरप्रीत पुत्र, मेरे को पूरा यकीन है निहाल ने ही मनाया होगा रतन को कि इस रेस में भाग ले ले। ले तेरा ही कुर्ता हो गया, पूजा कर दूं। हाय रब्बा, एकी ये तो फट गया पुत्र। तो सिलाई आती है ना पुत्र, सिल दे इसको। अरे मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पे, हो सकता है कहीं अटक के फट गया होगा। मैं इसको सी दूंगी। ये आपका चार्जर। हाँ, बस छेती छेती जाके इसकी कम से कम चार डंडियां आ जाए तो मेरी छोटे चंद से पूरी गल हो जाएगी। आधी गली हुई ना, आधी खबर मेरे को मिली है। मेरे को पता करना है, बेचैनी हो रही इतनी कि मेरी पंजाब की शेरनी वहां क्या कर रही होगी। चल पुत्र, चलती हूँ। चंगा, रब रखा और ख्याल रखना अपना। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रैक्टर है ना, आप हड़बड़ी से ना चलाना, और सबसे ज्यादा है कि दिमाग को शांत रखना ट्रैक्टर चलाते हो, आपके काम आएगा जी। एक बात और, हो सकता है आपको गियर बहुत बदलने पड़े, क्लच मत दबा के रखना बस।
आप अभी भी परेशान हैं? देखिए, ये भीड़ देख रही हैं आप, ये यहाँ इस ट्रैक्टर रेस को देखने नहीं आए, ये देखने आए कि एक जनानी भी इस दौड़ में हिस्सा ले सकती है। आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। देखो जी, आपको अपने आप पे भरोसा होना, पर मुझे भरोसा है कि प्रीतमपुरा से ट्रैक्टर चलाने वाली पहली जनानी कभी फेल नहीं हो सकती। बीजी, आप जो करने जा रहे हो ना, वो किसी की भी बीजी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं तो अभी सही जीत गया बीजी। और अब तो पापा जी भी आपके साथ हैं। बीजी, मैंने ना एक जादू सीखा है, आपको उससे ताकत मिल जाएगी। मैंने अपने कान में बताना, नीचे झुको। मैंने ना आप पे ना के मैं सभी प्रतियोगियों से विनती करता हूं कि प्रबंधक कमेटी द्वारा दिए गए अपने अपने ट्रैक्टर में वो आकर बैठ जाएं। जो बोलो सोनिया। हेलो चाचू, आपका फोन लो ना। हाँ, चल जीरा। बड़ा नाज है रतन को, आज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।